नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के द्वारा बताई गई ऐसी तीन दालों के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, खून की कमी रहती है, शारीरिक कमजोरी, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, अर्थराइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, इसके अलावा कुछ भी काम करने का आपको मन नहीं करता है, शरीर में जोश नहीं रहता है, ताकत नहीं रहती है, स्फूर्ति नहीं रहती है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप होता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में हमारा इंस्पिरेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को अवश्य लाइक करें। आइए सबसे पहले दाल के बारे में जानते हैं, किस तरीके से सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है। दोस्तों, आपको सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे, गलत तरीके से सेवन कर लेंगे, गलत चीज़ के साथ और गलत समय पर सेवन कर लेंगे, तो दोस्तों ये नुकसान भी आपको कर सकती हैं। सबसे पहली दाल जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम कुल्थी की दाल, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं हॉर्स ग्राम। दोस्तों, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोटीन रिच लेंटल फाउंड ऑन द प्लैनेट, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हमारी धरती पे पाए जाने वाली सबसे रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स लेंटल है, यानी कि दाल है। दोस्तों, इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी भी दाल में नहीं होता। अब मैं इसके फ़ायदे के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सेवन करने का सही तरीका बताऊँ, क्योंकि उसी तरीके से अगर आप सेवन करेंगे तभी आपको फ़ायदा देगी। दोस्तों, फ़ायदा इसका सबसे पहले ये है कि घोड़े जैसी ताकत आपके शरीर में बढ़ाता है। इसका नाम है हॉर्स ग्राम। दोस्तों, घोड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए इस दाल का इस्तेमाल किया जाता है। गांव के जो लोग हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, दोस्तों इस दाल का अवश्य प्रयोग करते हैं, जो लोग सुबह सुबह पहाड़ पर काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, गांव के बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि ये ताकत को, स्टैमिना को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा देती है। अब जिनको आर्मी में जाना है उनके लिए तो दोस्तों इससे ज़बरदस्त दाल कोई हो ही नहीं सकती। साथ में दोस्तों, आँखों की रोशनी जिनकी कम होते जा रही है दिन प्रतिदिन, उनके लिए बहुत अच्छी दाल होती है। साथ में बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्रोटीन इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होती है। कैल्शियम की कमी, खून की कमी अगर आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इससे बेहतरीन दाल, मैं पहले नंबर पे इस दाल को रख रहा हूँ। दोस्तों, इससे बेहतरीन भरपूर पौष्टिक दाल पूरी धरती पे आपको मिल नहीं सकती। आइए अब जानते हैं कि सेवन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, रात को सोते समय आपको कुल्थी की दाल को, यानी कि हॉर्स ग्राम की दाल को, आपको पानी में भिगो कर रख देना है। कितनी मात्रा में? 3 चम्मच की मात्रा में। ध्यान से सुने, 3 चम्मच से ज़्यादा गर्मियों में आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिनकी पित्त प्रकृति रहती है, जिनको चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, छाले बहुत ज़्यादा होते हैं, पेट में गर्मी जिनके बहुत ज़्यादा बनती है, दोस्तों उनको 1 से 1.5 चम्मच ही पानी में भिगो करके इस्तेमाल करना है। और पानी में क्यों भिगोना है आपको? इसकी गर्मी बाहर निकल जाएगी गर्मियों के मौसम में। हाँ, सर्दी के मौसम में आप क्या कर सकते हैं, दाल को तवे पर भून करके, तवे पर आपको भून लेना है बिना तेल के। भूनने के बाद दोस्तों आप इसको कूट करके या फिर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना करके रख सकते हैं किसी भी डब्बे में, कंटेनर में। उसके बाद दोस्तों 2-2 चम्मच की मात्रा में इसको पानी में डाल करके, पका करके आप इसका सूप बनाकर पी सकते हैं शाम को या फिर सुबह खाना खाने के बाद। सुबह खाना खाने के बाद कितने बजे? 11 बजे बहुत अच्छा होता है। कुछ ना डालें, नमक आपको इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं जिनको नमक लगता ही लगता है, लेकिन ज़्यादा प्रयोग ना करें। और सेंधे नमक का प्रयोग करें दोस्तों, या फिर काले नमक का। साथ में दोस्तों इसके बीच में धनिया भी आप मिला सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। हल्का सा नींबू का रस बनने के बाद, ठंडा होने के बाद भी मिला सकते हैं। इसके सूप का अवश्य हफ्ते में 3 से 4 बार आपको प्रयोग करना ही चाहिए। प्रोटीन की कमी नहीं होगी, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियां कमज़ोर जिनकी रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन रहता है, अर्थराइटिस की समस्या रहती है, नी पेन की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही अधिक अच्छा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन होता है।
इसके अलावा दोस्तों, जो आपने रात को दाल भिगोई थी उसको भी आप सुबह उठ करके ऐसे ही चबा चबा करके धीरे धीरे 5 से 10 से 15 मिनट का समय लगाएं, इसको चबा चबा करके भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 2 से 3 चम्मच से अधिक मात्रा में आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही ताकतवर होती है, बहुत ही पौष्टिक होती है। साथ में पुरुषों की जो अंदर की कमजोरी होती है ना, आप समझ पा रहे होंगे, लाइफस्टाइल खराब होने के कारण जो पुरुषों को रात को देर देर तक जाके गंदी गंदी चीज़ें करते हैं उसके कारण जो अंदर की कमजोरी आती है, ऐसे पुरुषों के लिए तो दोस्तों ये रामबाण औषधि की तरह काम करती है। आइए जानते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग ऋद्धि में कौन सी पौष्टिक दाल का वर्णन किया गया, जिक्र किया गया। दोस्तों, जो हरी वाली मूंग की दाल होती है, आप सभी को पता है कि उसका स्प्राउट्स बना करके, यानी कि उसको जो अंकुरित कर करके बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। दोस्तों, उसके कारण नहीं पता लोगों को, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है तो जो दाल होती है ना, अगर आप उसको पका करके सेवन करेंगे तो दोस्तों उसकी प्रोटीन आपके शरीर में पूरी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप इसको अंकुरित कर करके, यानी कि इसका स्प्राउट्स बना करके सेवन करते हैं तो दोस्तों प्रोटीन की क्वालिटी भी बढ़ जाती है, साथ में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। देखिए, प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का कंजम्पशन होना चाहिए, खाना सेवन करना चाहिए? नहीं। प्रोटीन देखिए, जो आपको नॉन वेज सोर्स से मिलती है, चिकन से, अंडे से मिलती है, वो दोस्तों आपके बॉडी, आप जानते हैं कि सेल्स से मिलके बनी है, उसकी डिके जल्दी कर देगी, यानी कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा, आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा, 30-40 साल की उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे अगर आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का सेवन करते हैं। वहीं पर अगर आप हरी वाली मूंग की दाल को पानी के बीच में भिगो करके उसके बाद में उसके स्प्राउट्स बना करके सेवन करते हैं तो दोस्तों ये जो प्रोटीन होती है आपके सेल्स की डीके को काफ़ी स्लो डाउन कर देती है, धीरे कर देती है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो सेल्स से मिलके बनी है, सेल्स की मृत्यु धीरे धीरे होती है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी एंटी एजिंग हो जाती है, यानी कि बुढ़ापा आपको देर से आएगा। फायदे क्या क्या होते हैं, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर कंटेंट अगर आपके खाने में ज़्यादा रहेगा तभी आपकी जो बॉडी में प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो डाइजेस्ट हो पाएंगे। तो फाइबर का अधिक लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। साथ में चेहरे पे ग्लो लाने के लिए दोस्तों फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए भोजन में, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन से भी ज़्यादा आपको फाइबर कंज्यूम करना चाहिए। अब दोस्तों खून की कमी को दूर तो ये करता ही है, साथ में जिनके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आर्थराइटिस की समस्या होती है, वो अगर इस दाल का, हरी वाली मूंग की दाल का सेवन करते हैं उसको भी ये ठीक करने में मदद करेगा। अगर साथ में आप सुबह उठ करके कपाल भाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा करते हैं तो दोस्तों फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द 1 महीने के भीतर भीतर क्योर हो जाता है। दोस्तों मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से ठीक करने की, क्योर करने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हरी वाली मूंग की दाल का सेवन करें, पानी में भिगो करके स्प्राउट्स बना करके, सूप भी बना करके दोस्तों इसका आप ले सकते हैं शाम के समय, सुबह के समय। साथ में दोस्तों दाल का भी आप बना करके भी सेवन कर सकते हैं। मैंने जो आपको पहले कुल्थी की दाल बताई उसको भी बना करके भी खा सकते हैं, हरी वाली मूंग की दाल को भी बना करके भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, डेली डेली एक दाल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बदल बदल कर दालों का प्रयोग करें, तेल का प्रयोग करें, बदल बदल कर रोटी खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, है ना, अलग अलग चीज़ें हर दिन आपको प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए हमारे शरीर को बैलेंस्ड डाइट देने के लिए। आइए जानते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर अष्टांग ऋद्धि में किस दाल की चर्चा की गई है जो कि बहुत ही अच्छी होती है और आप सभी उसको भली भांति जानते होंगे। दोस्तों काले वाले चने की दाल, वो बोलते हैं ना जिनको स्टैमिना बढ़ाना है, जिनको आर्मी में जाना है, ताकत स्फूर्ति जोश बढ़ाना है, इसके अलावा चुस्ती फुर्ती जिनको बढ़ानी है, उनके लिए चने की दाल, काले वाले चने की दाल बहुत अच्छी होती है, जिसको हम अंग्रेजी में चिक पीस बोलते हैं। दोस्तों अब देखिए, जिनके शरीर में गर्मी बहुत अधिक बनती है दोस्तों, उनको पानी में भिगो करके चनों का 1 से आधी मुट्ठी का सेवन करना चाहिए शुरुआत में। और जिनको पेट में सर्दी बहुत ज़्यादा बनती है, जिनको थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, शरीर की तासीर ठंडी रहती है, उनको भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। भुने हुए चने आपको काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जिनके पेट में गर्मी होती है, चेहरे पर छाले होते हैं, पेट में बहुत ही अधिक मात्रा में एसिडिटी बनती है, उनको चनों को भिगो करके और साथ में स्प्राउट्स कर करके सेवन करना चाहिए। अब फायदे क्या होते हैं, स्टैमिना तो बढ़ाता है, ताकत को तो बढ़ाता है ये, साथ में चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति को दोस्तों
इतने ज़बरदस्त इतने बेहतरीन तरीके से बढ़ा देगा, साथ में पुरुषों की अंदर की जो कमज़ोरी होती है उसको भी इतने खतरनाक तरीके से दोस्तों दूर करता है कि आप उसकी इमेजिन उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन साथ में सुबह उठ करके पहले योग प्राणायाम व्यायाम करना, दौड़ लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके बाद ही काले चने को आपको कंज्यूम करना है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप प्राणायाम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम अति आवश्यक होता है। साथ में अगर आप प्राणायाम नहीं करना चाहते तो दौड़ लगाएं 5 से 10 मिनट बिना रुके फुल स्पीड में, जिनको सांस फूलती है वो धीरे धीरे पैदल चलें और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दौड़ लगाएं, उसके बाद में चनों का कंजम्पशन करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ताकत की कमी को दूर करेगा, ताकत बढ़ाएगा, चुस्ती फुर्ती बढ़ाएगा, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, खून की कमी को दूर करके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को अगर दूर करेगा। अगर आप भुने हुए चने का सेवन करते हैं तो ये अर्थराइटिस के लिए अच्छा होता है, भीगे हुए चने का प्रयोग ना करें अगर आप अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने मित्रों के साथ। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।